दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे अर्बन का ये फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक। 10,000 mAh पावर बैंक है दोस्तों ये। तो इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसे आप इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और ये 20 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और अगर आपके फ़ोन में 4000 mAh बैटरी है तो आप 2 बार ही अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो इससे। एंड यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम आउटपुट जो है 5 वोल्ट 3 एम्पीयर है, 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट की इसमें आपको आउटपुट मिल जाती है। और ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ये पावर बैंक है और इसके साथ आपको मिलती है एक यूज़र मैनुअल और यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी का आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और एक टाइप सी केबल मिल जाती है, छोटी सी अच्छी क्वालिटी की केबल है ये देखिए। एंड ऐसा कुछ ये पावर बैंक दोस्तों आपको मिलेगा। यहाँ पर लैमिनेशन हो रखी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, इससे क्या कि ख़राब नहीं होगा और इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। बट अभी मैं इसे उतार के दिखाऊंगा आपको ताकि इसकी बॉडी वगैरह कैसी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो उसको उतार देते हैं। और अगर आप 20,000 mAh वाला लोगे तो वो इससे थोड़ा मोटा होगा, ये थोड़ा स्लिम है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मैट फिनिश में ग्रीन कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे आपको ब्लैक कलर में भी पावर बैंक मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे इस पावर बैंक के। एंड यहाँ पर एक बटन दे रखा है, इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे LED इंडिकेशन आ रहा है। तो 4 LEDs आ रहे हैं यानी कि अभी चार्ज है पावर बैंक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं ये चार्जिंग के लिए। सेंटर में MicroSB पोर्ट दे रखा है एंड टाइप सी पोर्ट दे रखा है। एंड टाइप सी पोर्ट दोस्तों आप इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड बैक साइड यहाँ पे देखिए 10,000 mAh पावर बैंक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब इस पावर बैंक का चार्जिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ये स्मार्टफोन्स है। तो ये है Redmi का Note 7S और ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे मेरे पास है LG का GTX Think और ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वॉट्स तक की। तो अभी हम ये दोनों ही फ़ोन कनेक्ट करके देखेंगे इन दोनों पोर्ट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरे पास ये चार्जिंग केबल है ये इस फ़ोन की ओरिजिनल केबल है। एंड यहाँ पे इस वाले फ़ोन को हम चार्ज करेंगे ये पावर बैंक वाली जो केबल है इसको यूज़ करके। तो देखिए अभी चार्जिंग स्टार्ट हो गई और देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ये फास्ट चार्जिंग हो रही है। तो ये फास्ट चार्जिंग होने लग गया फ़ोन। तो अब मैं दूसरे वाला फ़ोन भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला फ़ोन भी चार्जिंग से कनेक्ट हो चुका है। बट इसमें देखिए अभी फास्ट चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग वाला जो आइकन है वो सिंगल आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर फास्ट चार्जिंग हो रही है। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, इस पावर बैंक में दोस्तों एक ही डिवाइस फास्ट चार्ज हो सकता है। अगर आपने दो दो डिवाइस चार्जिंग से कनेक्ट करे हैं तो जो फ़ोन आपने पहले लगाया होगा उसमें फ़ास्ट चार्जिंग होगी और जो आपने दूसरा फ़ोन लगाया होगा उसमें फ़ास्ट चार्जिंग नहीं होगी, उसमें नॉर्मल स्पीड से ही चार्जिंग होगी। यानी कि एक टाइम पर एक ही फ़ोन फास्ट चार्ज कर सकता है ये वाला पावर बैंक। जो फ़ोन आप पहले लगा दोगे वो फास्ट चार्ज हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, केबल्स को चेंज करेंगे और दोनों ही पोर्ट्स में चेक करेंगे कि दोनों पोर्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास Redmi का Note 7S, इसको मैं पहले वाले पोर्ट में अभी लगा रहा हूँ ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए अभी नॉर्मल स्पीड से चार्जिंग हो रही है, फास्ट चार्जिंग अभी कनेक्ट नहीं हुई है। और फास्ट चार्जिंग को कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप देख सकते हो ये देखिए दोबारा से कनेक्ट हुई है चार्जिंग और अभी आप देख सकते हो क्विक चार्ज हो रहा है। तो अब इसमें फास्ट चार्जिंग हो रही है। फास्ट चार्जिंग को कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी डिटेक्शन में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पोर्ट में फास्ट चार्जिंग हो रही है। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको अब दूसरे वाले पोर्ट में लगा देते हैं। तो देखिए अभी तो नॉर्मल ही चार्जिंग हो रही है और देखिए अब ये फास्ट चार्जिंग से कनेक्ट हो गया है। तो यानी कि दोनों ही पोर्ट जो हैं वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बट अगर आप दो दो फ़ोन लगा दोगे तो जो पहले वाला होगा वही फास्ट चार्ज होगा। तो चलिए दोस्तों अब दोनों ही फ़ोन को एक साथ हम चार्ज करेंगे। तो पहले जो है हम इस फ़ोन को लगाएंगे क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो ज़्यादा ही कम है, ये 41% है। तो दोनों ही फ़ोन को हम लगाएंगे, इसको पहले लगा देते हैं ताकि ये फास्ट चार्ज से कनेक्ट हो जाए। तो इसको मैंने लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है, 41% है ये और ये क्विक चार्ज हो रहा है, ठीक है। एंड इस वाले को हम लगा देते हैं LG को दूसरे वाले पर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज है तो इसमें नॉर्मल चार्जिंग भी चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल चार्ज हो रहा है, इसमें फास्ट चार्जिंग शो नहीं हो रही है। तो अभी हम दोनों ही फ़ोन्स को दोस्तों चार्ज कर लेते हैं। तो 15 मिनट का हम चार्जिंग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 949 हो रहे हैं, इस फ़ोन में भी देख लेते हैं 949 हो रहे हैं।
तो यहाँ पे 15 मिनट से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो पहले हम LG वाले को देख लेते हैं। तो ये 91% था और ये 97% हो गया चार्ज, देख सकते हो आप। और ये नॉर्मल चार्ज हो रहा था, फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है इसमें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल चार्जिंग हो रही है। एंड यहाँ पे हम रेडमी वाले को देखें तो यहाँ पे देखिए ये फास्ट चार्ज हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे दो दो आइकन्स आ रहे हैं चार्जिंग के, और ये देखिए कितना ज़्यादा चार्ज हो गया। ये 41% था और ये देखिए ये 59% हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए 59% चार्ज हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे फास्ट चार्जिंग कनेक्ट हो रखी है, 59% है फास्ट चार्जिंग कनेक्ट है। तो ये देखिए कि इतने टाइम में ये सिर्फ 6% चार्ज हुआ था, और ये वाला जो है ये देखिए 41 से यहाँ पे आप देख सकते हो ये 59 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गया, मतलब कि 18% के आसपास ये चार्ज हो गया। तो फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छे से काम कर रही है, ये हमने टेस्ट कर लिया है। और दोनों ही पोर्ट्स में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये पावर बैंक। तो दोस्तों अगर आप कोई फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक परचेज़ करना चाहते हो तो आप इस पावर बैंक को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। 700-800 की प्राइसिंग के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगा, ऑफर प्राइस में, कई बार सस्ता मिल जाता है ये। और इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसमें पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही पोर्ट्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। माइक्रो एसबी पोर्ट से भी आप इसे चार्ज कर सकते हो, एंड टाइप सी पोर्ट को आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो, एंड आप कोई डिवाइस भी चार्ज कर सकते हो। ये इनपुट आउटपुट दोनों ही सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस पावर बैंक को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Oh,